प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 में धनतेरस पर्व कब मनाया जाएगा, अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा, राहु काल कब से कब तक रहेगा, धनतेरस के दिन हमें किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:43 से लेकर दोपहर में 12:26 तक रहेगा। ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ये भगवान हरि को अति प्रिय होता है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य, खरीदी गई कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, चिरकाल तक उसका लाभ हमें मिलता है। राहु काल का समय क्या रहेगा इसको भी आप नोट कर लीजिए। सुबह 10:30 से लेकर दोपहर में 12 बजे तक राहु काल रहेगा। तो इस राहु काल में आपने कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। राहु काल में किया गया कार्य लंबे समय तक लाभ नहीं देता है, यानी कि नुकसानदायक होता है। इसलिए राहु काल के समय में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से हमें बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं इस दिन किन चीज़ों की खरीदारी हमें करनी चाहिए। यदि इस दिन सोना खरीदा जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इसी दिन धनवंतरी जी अपने हाथ में सोने का कलश लेकर के प्रकट हुए थे जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था। इसलिए यदि इस दिन सोना आप खरीद लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। यदि आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो चांदी भी यदि आप खरीद लेते हैं वो भी आपके लिए शुभ होता है। और यदि चांदी भी आप नहीं खरीद रहे हैं तो फिर आप पीतल के, तांबे के, स्टील के, सिल्वर के बर्तन भी खरीद सकते हैं, वो भी शुभ माने जाते हैं। इस दिन महालक्ष्मी और गणपति जी की तस्वीर जरूर खरीदनी चाहिए। ये तस्वीर आप पीतल की भी खरीद सकते हैं, चांदी की भी खरीद सकते हैं, और यदि पीतल और चांदी की आप नहीं खरीद सकते हैं तो फिर जो कागज की तस्वीर होती है वो जरूर खरीद लीजिए इस दिन। इस दिन धनवंतरी की तस्वीर खरीदना भी शुभ माना जाता है, और धन के मंत्री कुबेर की तस्वीर भी यदि आप खरीद लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप धनिया खरीद सकते हैं, क्योंकि धनिया महालक्ष्मी को अति प्रिय होता है। जब आप दीपावली के दिन शाम के समय अपने घर में महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उस समय वो धनिया आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। आप कमलगट्टे खरीद सकते हैं, कमलगट्टे भी महालक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। और आप कोड़ियाँ खरीद सकती हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं, ये सब आप खरीद लीजिए। और दीपावली की शाम को जब आप अपने घर में महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उस समय माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। शंख आप खरीद सकते हैं, शंख का खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। जब आप शंख की ध्वनि करते हैं तो आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमसे दूर चली जाती है। नमक का खरीदना भी अति शुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, धनतेरस के दिन यदि आप नमक खरीदकर और नमक का पोचा अपने घर में लगा देते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू आपको जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का जो संबंध है कहीं ना कहीं महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है, तो झाड़ू इस दिन जरूर खरीदें। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ विशेष चीज़ें जो धनतेरस के दिन हमें खरीदनी चाहिए। इन चीज़ों के अलावा भी आप कुछ भी और खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कुछ भी खरीद लीजिए, बहुत अच्छा दिन होता है खरीदारी करने का। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान आप दीजिए, राहु काल में कोई भी चीज़ आपने नहीं खरीदनी है। राहु काल का समय मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से लेकर दोपहर में 12 बजे तक। ये जो 1.5 घंटा बनता है, इस 1.5 घंटे में आपने बचना है खरीदारी करने से, बाकी पूरे दिन आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और अभिजीत का मुहूर्त जो होता है वो तो बहुत ही शुभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सके। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।